नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हेलो डॉक्टर में। और जैसा कि COVID-19 का टाइम है और हमारे शरीर के सभी अंगों का, सभी हिस्सों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का जो विषय है COVID-19 और हमारे दांतों की देखभाल, तो भाई दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसमें COVID-19 को लेकर कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ है डेंटिस्ट, दांतों के एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष पंडित और डॉक्टर अदिति पंडित जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर मनीष से आज के सवाल की शुरुआत करूंगी कि डॉक्टर, जैसे कि अभी कोविड का टाइम है और रक्षा तो हमें अपने हर शरीर के अंग की करनी, खुद की करनी है, तो लाइक ऑपरेशन का जो टाइम होता है, तो ऐसे टाइम पर डॉक्टर के लिए भी और मरीज के लिए भी सावधानियाँ कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है? जी बिल्कुल, दोनों के लिए ही सावधानियाँ बहुत ज़रूरी होती है। जो मरीज होते हैं, अगर आपको बहुत ही कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है तो हॉस्पिटल विजिट ना करें, एवं बुजुर्ग एवं बच्चों को हॉस्पिटल्स में ना लाएं। इसके अलावा अनावश्यक चीज़ों को छूने से बचें, दूसरे जो चीज़ें हैं हॉस्पिटल्स में है कॉन्टैक्ट, दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, ग्लव्स का उपयोग करें। एवं डॉक्टर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस है, बिकॉज हॉस्पिटल्स तो हैं वो जो सारे ही प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उसके अलावा भी जो पर्सनल प्रोटेक्शन जो किट होती है वो पहनना, वार्ड का फ्यूमिगेशन करना, तो बहुत ही सारी प्रक्रियाएं हैं जो ऐसी करनी पड़ती हैं ताकि पेशेंट्स को एवं डॉक्टर को दोनों को ही कोविड से कोई खतरा ना हो। बिल्कुल, और इसी डर से लोग कहते हैं कि सैनिटाइजर यूज करना चाहिए लेकिन लोग बहुत ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? हर थोड़ी थोड़ी देर में दिमाग पे बैठा रहता है जी, ये तो गाइडलाइन में है कि सैनिटाइजर यूज करें, बट हाथ धोना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। साबुन से आप हाथ धोइए रेगुलर इंटरवल्स पे 20 सेकंड के लिए, सारे ही सतहों को में अच्छी तरीके से वॉश करना है, उसके गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं। एवं सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं जब आप बाहर जा रहे हैं, कुछ चीजों को छू रहे हैं, तो उसे उन सब भी आप किसी चीजों के संपर्क में आते हैं तब आप सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी बॉटल रख ले जाए तो ज्यादा सही होगा। डॉक्टर अदिति से मेरा सवाल है कि जो हमारे दांत होते हैं उनकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे स्वस्थ रखें हम अपने दांतों को? देखिए, सबसे पहले तो दांतों की सुरक्षा बहुत चीजों पर निर्भर करती है, पर उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो दिन में दो बार ब्रश करना, ये बहुत जो कई बार इंडिया के पॉपुलेशन में या इन जनरल लोग मिस आउट कर देते हैं। बच्चों में खासकर रात में ब्रशिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़ों के मुकाबले उनका मीठा खाना या स्वीट इंटेक बहुत ज़्यादा है, चॉकलेट्स वगैरह का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। मेन चीज़ ये है दिन में दो बार ब्रश करना नियमित रूप से, चाहे दांत में कोई तकलीफ हो ना हो, डेंटिस्ट के पास जाके हर 6 महीने में एक अपना रूटीन चेकअप कराते रहना, ताकि कहीं कोई छोटी मोटी चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो वो पहले ही ठीक कर दी जाए, इसके पहले कि पेशेंट दर्द से परेशान हो, तकलीफ सहे और फिर इलाज कराए। तो सबसे पहली ये चीज़ है कि मेंटेनेंस, दिन में दो बार ब्रश करना, और अनावश्यक चीज़ों का सेवन जैसे तंबाकू इत्यादि इन चीज़ों से दूर रहें, जितना उतना ही दांतों की सेहत बनी रहे। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार बोल देना। नमस्कार जी। जी जी, कौन बोल रहे हैं? जी जी, बेमेतरा से बात कर रहे हैं, क्या जानना चाहेंगे भागवत जी आप? जैसे कि दांत के बीच गैप रहता है, बोला हो जाता है, अपन कभी भी वो भोजन करते हैं ना, तो दांत के बीच में मसूड़े के बीच बीच में आ जाता है, उनके बाद कभी कभी मसूड़े से उसको भोजन को निकालने या कोई भी चीज खाद्य पदार्थ रुक जाता है, उसके बाद दांत अचानक दर्द करने लग जाता है, इसके लिए कौन से उपाय? देखिए, दांतों में जो सड़न होती है ना, वो उसके कारण से दांतों में छिद्र बन जाते हैं, जहाँ खाना फंसना बहुत ही कॉमन हो जाता है। इस कंडीशन में आपको आपके डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, दांतों की एक्सरे कराना चाहिए, और दांतों में अगर छिद्र है और अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जो दांत बचाने की प्रक्रिया है। रूट कनाल ट्रीटमेंट करने एवं उसके बाद कैप लगा देने से वो दांत खाने योग्य हो जाता है, फिर आप भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, कोई भी खाना वगैरह नहीं फंसेगा। जी जी जी, मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर, जैसे कि रूट कैनाल लोग कराते हैं तो उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती है कि वो जो मैंने दांत में भरवाया था वो निकल गया है, तो क्या इसके लिए कोई विशेष सावधानी उन्हें रखनी चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद? इसीलिए हम हमेशा पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट सिर्फ दांतों का दर्द खत्म करने की प्रक्रिया है, बट दांत का जो स्ट्रक्चर जो सड़न के कारण खराब हो चुका है, कमजोर हो चुका है, तो दांत के ऊपर हमेशा एक
प्रोटेक्शन के लिए दांतों के ऊपर कैप चढ़ाना या कवर चढ़ाना, जो कई मटेरियल्स के आते हैं, उसको लगाने से दांत अंदर सुरक्षित रहता है, चबाने का सारा जो जोर है ज्यादातर कैप ले लेता है। तो ऐसा पूरा प्रोसेस कराने से कि दर्द खत्म हो गया तो आगे ट्रीटमेंट ना कराएं, तब जाके थोड़ी परेशानी बढ़ती है। यदि रूट कैनाल और कैप दोनों करवाए तो सालों तक दांतों में फिर कोई इन्फेक्शन या दर्द या दांत टूटना ये कोई भी परेशानी पेशेंट्स को कभी नहीं हो पाएगी। और बीच बीच में चेकअप भी कराते रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि कौन कौन सी ऐसी दांतों की बीमारियां हैं जो अमूमन लोगों को परेशान करती है। देखिए, जो सबसे जैसे हमारे कॉलर्स ने पूछा तो दांतों की सड़न जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी डायग्नोसिस होती है खाना फंसने से। बाहरी सतह में तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो दो कॉन्टेक्ट के जो सरफेस होते हैं वहाँ पे जो खाना फंसता है तभी पता चलता है। तो जैसे ही खाना फंसता है आप डेंटिस्ट के पास जाएं। दांतों की सड़न के अलावा पायरिया जो कॉमन है हमारे एरिया में, जिसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं हमारी भाषा में, जिसमें मसूड़ों की बीमारी है, पेरियोडोंशियम जो कहते हैं, जो दांतों के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो जो उनकी बीमारी लग जाती है तो धीरे धीरे दांत लूज होके गिरने लग जाते हैं। उसका सही समय पे ट्रीटमेंट करवाने से दांत नहीं गिरते हैं, दांत को बचाया जा सकता है। अमूमन लोग तब आते हैं जब दांत काफी हिल रहे होते हैं, उस कंडीशन में दांत को बचा पाना कई बार मुश्किल होता है। तो फ्लैप सर्जरी और कई ऐसे मसूड़ों की सर्जरी, ऐसी छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम दांतों को बचा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरे जो होते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रॉब्लम, माल ऑक्लूजन काफी कॉमन है। तो माल ऑक्लूजन में ब्रेसेस के ट्रीटमेंट कराना, वो ट्रीटमेंट सिर्फ फंक्शनली कॉस्मेटिकली ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फंक्शनली भी इंपॉर्टेंट है। दांतों की तालमेल नहीं होने से खाना सही से नहीं चबाना, टीएम जॉइंट जो जॉइंट होते हैं, जबड़े की जॉइंट होते हैं, उनका प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा कई ऐसी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो प्राय आती है। इसके अलावा जो गुटके से खाने की वजह से होने वाले और भी बीमारियां, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो भी आती हैं। तो ऐसे कई सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट जो लेके आते हैं। जी 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 डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि जो पायरिया है वो काफ़ी लेट हो जाने के बाद जो पेशेंट्स है वो इन्फॉर्म करते हैं आपको, तो शुरुआती लक्षण इसके क्या क्या हो सकते हैं कि हम डाउट करें कि हमें पायरिया हो सकता है? सबसे शुरुआती लक्षण ये होता है मसूड़ों से खून आना ब्रशिंग के दौरान। कई लोगों को लगता है होगा कुछ ठीक हो जाएगा, दांतों में कुछ फंस गया, मसूड़ों से खून आना या मसूड़े सूजना या मुंह से दुर्गंध आना, ये आपका सबसे बड़ा साइन है कि आपको दांतों की सफाई की जरूरत है। और यही ब्लीडिंग गम्स जो हम कहते हैं, ये पायरिया का पहला स्टेज होता है। इसी स्टेज पे उसको ट्रीटमेंट करा के दांतों की सफाई जैसी सीधी सरल ट्रीटमेंट कराने से वो वहीं रुक जाएगा और बढ़ेगा या दांत आगे चल के हिलेंगे। इन प्रॉब्लम से पेशेंट्स आराम से बच सकते हैं। कई लोगों को ये मिथ्या है कि दांतों की सफाई कराने से दांत हिल जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट सफाई ना कराने से वो परत पे परत बनती जाएगी, मसूड़े कमजोर होंगे तब दांत हिलना शुरू होंगे। तो उस स्थिति में पहुंचे उसके पहले ही, जैसे ही मुंह से दुर्गंध आना या थोड़ा बहुत भी ब्रशिंग में ब्लीडिंग आता है तो तुरंत जाके दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अधिक राम साहू, राजनाथगांव से। जी जी, स्वागत है, क्या जानना चाहेंगे अधिक जी? मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम कि ब्रश करने के बाद हमारे दांतों में खून आता है। जी, देखिए, जब मसूड़ों से खून आना, इसका मतलब है कि एक जो मसूड़ों में सूजन होती है, जो पायरिया की शुरुआत होती है, जिसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। तो मसूड़े आपके सूजे हुए हैं, जिनमें इन्फ्लामेशन है, उन चीज़ों में आप जब भी कुछ खाते हैं या आप ब्रश करते हैं, तब आप जब थूकते हैं तो आपको ब्लड दिखाई देता है। यही पायरिया का शुरुआती लक्षण है। या तो आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं हो पा रही है, उसमें आप ध्यान दें, ब्रश सही है कि नहीं उस पर आप ध्यान दें, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, ब्रश का इस्तेमाल करें, एवं अपने डेंटिस्ट को जाके जरूर दिखाएं। सिर्फ दांतों की सफाई कर देने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत ही रेयर केसेस में अगर आपको थ्रोम्बोसाइट्स की कमी है, ब्लड में कुछ प्रकार की कमी है, उसी वजह से दांतों से भी ब्लड आते हैं, बट वो रेयर कॉज है, बहुत ही कम ऐसे केसेस में है, अंडरलाइंग डिसीज अगर होती है तो। बट जो रूटीन कॉज होता है वो मसूड़ों की सूजन होती है, पायरिया की शुरुआत, जिसे हमारी भाषा में जिंजिवाइटिस कहते हैं। तो सिर्फ कुछ सही से ब्रशिंग टेक्निक करने, दांतों की सफाई करने से आपकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी कि पायरिया का जैसे इलाज चल रहा है, उसे पता है कि मुझे पायरिया है, तो मरीज को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रॉब्लम ना बढ़े?
आप देखते हैं कि पायरिया का जो प्रमुख कारण होता है कि दांतों की सफाई नहीं करना, मेंटेनेंस नहीं रखना। इसका मतलब आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, पहले तो जो स्केलिंग प्रोसीजर होती है जिसे दांतों की सफाई करते हैं, उन्हें 2-3 विजिट्स में किया जाता है। मसूड़ों की कुछ सर्जरियां होती हैं, फ्लैप सर्जरी जिसे कहते हैं, वो कई पेशेंट में बहुत ही आवश्यक होते हैं। इन सभी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दांतों की उसके बाद सफाई, क्योंकि पायरिया एक बार हो गया, आपने इलाज करा लिया, उसके बाद ये दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप फिर मेंटेन नहीं करेंगे और अगर आप फिर से हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली पायरिया फिर से आ जाएगा। तो उन केसेस में अपने दांतों में जो होने वाले प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ब्रशिंग करना, रात में सोने से पहले भी ब्रश करना, माउथ वॉश का इस्तेमाल करना, एवं दांतों के बीच की जो परत होती, जो सतह होती है, उसको साफ करने है, डेंटल फ्लॉस आते हैं। तो डेंटल फ्लॉस मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उसकी टेक्निक पूछ लें किस तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, एक टेक्निक होती है ताकि आप अच्छे से उसे साफ कर सकें। और उस तकनीक आप यूज करेंगे, आप मेंटेनेंस करते रहेंगे और जल्दी आप रेगुलर विजिट करेंगे तो पायरिया आपको परेशान नहीं करेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम नमस्कार, मैं मनीष पुरी धमतरी से बोल रहा हूँ। नमस्कार मनीष जी, स्वागत है, क्या जानना चाहेंगे? मैडम जैसे अगर मैं रूट कैनाल करवाता हूँ, उसके बाद अगर अपन कैपिंग करवा लेते हैं तो कैपिंग की लाइफ कितनी रहती है, और क्या जैसे अगर अपन भविष्य में अपने को सीटी स्कैन या कुछ करवाना है तो कैपिंग निकलवाना पड़ता है क्या? एक बार रूट कैनाल करवाने के बाद, कैप लगाने के बाद, एक एवरेज एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कह सकते बट अंदाजन एक 10-12 साल कैप चल जाता है। उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपके कैप में कोई प्रॉब्लम आए, हो सकता है कि उसके आगे भी वो कैप कंटिन्यू चलती रहे, वो तो रेगुलर चेकअप से आपको डेंटिस्ट बता पाएंगे। दूसरी चीज़ जो इन्होंने पूछी, सीटी स्कैन के लिए कैप निकलवाना पड़ता है क्या? तो ऐसा नहीं है, कैप निकलवाना नहीं पड़ता सीटी स्कैन के लिए। जो कैप्स लगती हैं उनसे खाना वगैरह सब नॉर्मल चबा सकते हैं, उसमें बस ये प्रिकॉशन रहता है कि बहुत ज़्यादा चिपचिपी चीज़ें कैप की तरफ से प्रेशर ना दे, चिपचिपा चीज़ें ना खाए, वो ध्यान रखने से कैप की लाइफ उतनी और लंबी चलती है। जी, और जी, जो कैप होते हैं आजकल कैपों में, जो सिरेमिक के कैप होते हैं उनमें नीचे मेटल की परत होती है, ऊपर सिरेमिक की परत होती है। तो अगर मन में ऐसी कोई भी दुविधा है, फ्यूचर में अगर आपको MRI कराना है और ऐसे मैग्नेटिक कोई भी इमेजिंग के प्रोसेस कराने हैं तो उसके लिए अभी लेटेस्ट ट्रेंड में जिरकोनिया क्राउन्स आ चुके हैं। जिरकोनिया क्राउन्स वो क्राउन्स होते हैं, या ऑल सिरेमिक क्राउन्स वो क्राउन्स होते हैं जिनमें मेटल होता ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी डिस्टर्बेंस आने की कोई चांसेस वैसे बहुत ही कम हो जाते हैं, जीरो हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप ऑल सिरेमिक या मेटल फ्री क्राउन्स पे आप अपना चॉइस ले सकते हैं, जो आजकल रिकमेंडेड है। जी जी जी। डॉक्टर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि जबड़े का फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, इसका जवाब हम आपसे जानेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रेमलाल वर्मा। जी प्रेमलाल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, मुंह से बदबू आता है ना, उसके बारे में पूछना था। जी जी, देखिए मुंह से बदबू आता है ना, उसके बारे में। जी बिल्कुल, मुंह से बदबू आने के कई कारण होते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके मसूड़ों में अगर सूजन हो या खाना फंसता हो दांतों के बीच, तो ये दुर्गंध, सांसों से दुर्गंध आती है। तो आप एक बार चेकअप कराएं, अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, आप दांतों की सफाई कराएं, दांतों में अगर कहीं खाना फंसता है तो रूट कनाल या फिलिंग या जो भी प्रक्रिया रिक्वायर्ड है, अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करें। लेकिन पहले घर में ब्रशिंग, आप अपना ब्रश देखिए, अगर आप कोई हैबिट नहीं है तो आप सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करिए और ब्रश को नियमित चेंज करते रहिए। जब भी ब्रश की ब्रिशल टेढ़ी हो रही है तो हमें वो ब्रश को फेंक देना चाहिए, तो ब्रश को नियमित चेंज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में सही टूथपेस्ट का भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप 2 टाइम पे ब्रश करेंगे, रात सुबह सो उठकर और रात को सोने से पहले करेंगे, तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। ब्रश कितने कितने दिनों में चेंज करना चाहिए? कुछ कुछ लोग तो सालों चला लेते हैं एक ब्रश को।
एवरेज एक अंदाजन 3 महीने का समय एक एवरेज आप मान सकते हैं, बट कई लोग जैसे बहुत प्रेशर से ब्रश करते हैं तो संकेत ये होता है, आपने अपने ब्रश को देखिए, जब ब्रश के ब्रसल्स टेढ़े मेढ़े होना लग गए या जब आप ब्रश कर रहे हो तो आपको चुभन महसूस हो रही है, दैट इज द टाइम आपको ब्रश चेंज करना है। 2 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, आप कितने फोर्स से ब्रश कर रहे हैं उस पर वो निर्भर करता है, बट अंदाजन 3-3 महीने में चेंज करना जरूरी है। जी 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 डॉक्टर मनीष से मैं जानना चाहूंगी कि डॉक्टर जैसा कि फेस में फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं तो सावधानियां क्या क्या रखें और कैसे देखभाल करें हम उस समय पर? देखिए जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो है वो सड़क दुर्घटना। तो सड़क दुर्घटना अगर आप हेलमेट का नियमित इस्तेमाल करते हैं, मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूँगा कि आप जब भी दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो कृपया आप प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी आप गिरते हैं तब आपके चेहरे में चोट लगती है, वो एक मैकेनिज्म है ब्रेन को इंजुरी से बचाने की, ताकि फेशियल फ्रैक्चर में जो फ्रैक्चर हो जाए, चेहरे में जो फ्रैक्चर हो जाए, ताकि कम से कम ब्रेन को डैमेज हो, कम से कम उसको जर्क लगे। तो इस ये एक प्रोटेक्टिव फिनोमिनन है जिसकी वजह से चेहरे में फ्रैक्चर्स होते हैं, चेहरे के फ्रैक्चर में कई दाग आते हैं, कट्स लग जाते हैं, तो चेहरे में विकृतियाँ आ जाती हैं। नई नई टेक्निक्स अवेलेबल है, हम जो भी हैंड नीचे का जबड़ा हो, ऊपर का जबड़ा हो, माथे की हड्डी हो, कोई भी हो, सबको जोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उससे होने वाले जो उसके बाद होने वाले जो मेंटल ट्रॉमा होता है पेशेंट्स को, चाहे वो चेहरे में आ चुके दाग की वजह से हो या वो एक्सीडेंट का ट्रॉमा हो, वो बहुत तकलीफ देता है जो सोशल ट्रॉमा पेशेंट को है, क्योंकि बाकी मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं, एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उन्हें हड्डियों को जोड़ा जा सकता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केसेस को भी हैंडल आसानी से किया जा सकता है। जी जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर। हेलो हेलो हाँ जी जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान से बोल रहा हूँ, टोंक जिले से रामदयाल। राजस्थान से रामदयाल जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहेंगे? दांतों में तकलीफ है। दांतों में किस तरीके की आपको तकलीफ है? दांतों में ऊपर की डाल है ना, वो दुख रही है, वो इलाज भी रहा था, ठीक नहीं हुई है। जी हाँ जी, अगर आपको दांतों में दर्द हो रहा है तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर वो दांत में सड़न होगी या इन्फेक्शन होगा, रूट कनाल किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, बट ये एक एक्सरे करने के बाद ही पता चलेगा। अगर कई बार ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिनमें रूट कनाल से भी रिजल्ट संभव नहीं है, दांत अधिक ज़्यादा डैमेज हो चुके रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रूट कनाल के रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं, उस कंडीशन में हमें वो दांत निकलवाना पड़ सकता है। तो अगर आपको शायद आपने ट्रीटमेंट कराया है उसके बाद भी अगर आपका दर्द नहीं जा रहा है तो शायद आपको दांत निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका दर्द कम हो पाएगा। तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर दीदी मैं ये जानना चाहूँगी कि मुँह से दुर्गंध आना ये तो अमूमन पायरिया के लक्षण होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई कारण होता है कि जी दुर्गंध आती है मुँह से? दुर्गंध आने के एक डेंटल कॉज एक अलग चीज़ होती है, उसके अलावा भी कई रीजंस होते हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है फॉर एग्जांपल, तो नाक ब्लॉक होने की वजह से ऑटोमेटिकली हम मुंह से सांस लेते हैं, उसकी वजह से मुंह ड्राई होने की वजह से या अंदर जो बलगम जम जाता है उसकी वजह से भी मुंह से उस दौरान के लिए, उस समय के लिए जब तक कि आपको कोल्ड कफ है, मुंह से दुर्गंध आने की पॉसिबिलिटी रहती है। कई लोग होते हैं जो मुंह खुला रख के सोते हैं, ड्राई माउथ की वजह से भी मुंह की दुर्गंध सुबह उठने से बहुत ज़्यादा महसूस होती है। उसके अलावा भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी वगैरह की शिकायत है या जो लोग बहुत सारी मेडिकेशंस पे हैं, स्पेशली जो एज ग्रुप ज़्यादा जिनकी है, एसिडिटी की वजह से भी सेकेंडरी हैलिटोसिस जो हम कहते हैं कि मुंह से दुर्गंध आने कि ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो हमेशा जरूरी नहीं कि आपके दांत सही नहीं है या आपका दांतों का मेंटेनेंस अच्छा नहीं है इसीलिए आपको मुंह से दुर्गंध आ रही है। तो यदि आपका मेंटेनेंस ठीक है, आप क्लीनिंग करा लिए हो, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपको इन फैक्टर्स में से क्या आपके लिए रीजन हो सकता है ये पता करके उस अनुसार उसका उपचार कराना जरूरी हो जाता है। जी जी डॉक्टर से और भी सवाल हम पूछेंगे और जानेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगी बातचीत। अरे उस साहब, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहब डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या
24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे भलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और ब्रेक के बाद ही हमारे पहले कॉलर का भी स्वागत है। हेलो हेलो जी, जी जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी जी रायगढ़ से स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप देव जी? जी मैम, मेरे दांतों के पीछे पीला पड़ा हुआ है और उसको जोर से दस्त करने पे जड़ के गिरता है और गुजरा हो जाता है। आपकी आवाज हम थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, आप एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। जी मैम, मेरे दांतों के पीछे पीलापन है। जी पीलापन, दांतों के पीछे पीलापन आ चुका है। देखिए, दांतों के पीछे पीलापन आना एक जो हमें हमारी भाषा में कैलकुलस कहते हैं, हम ब्रशिंग करने के बावजूद भी कई बार हमारे दांतों में परत जम जाती है। वो परत जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, वो निकालना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो परत जैसे जैसे धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जब जमती जाती है, वो मसूड़े और पेरिडोनशियम को वीक करती जाती है, और काफ़ी दिनों बाद फिर जब वो परत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब दांत अपने आप हिलने लग जाते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि अगर है। तो इसे हम कैलकुलस कहते हैं, इसे क्लीन कराना बहुत ज़रूरी है। आप नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएं और एक बार दांतों की सफाई कराएं, कैलकुलस निकलवा लीजिए, उसके बाद आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अक्सर कई बार देखा गया कि मसूड़ों की चमड़ी में या फिर मुंह की चमड़ी में सफ़ेदपन भी देखने को मिलता है, तो ये इसका क्या कारण हो सकता है डॉक्टर? देखिए, मसूड़ों में जो मसूड़ों या जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है जो जिसमें सफ़ेद दाग दिखते हैं, उसके कई कारण होते हैं, जैसे ल्यूकोप्लेकिया है, लाइकन प्लेनस है, और बहुत सारे होते हैं। ये मेनली जो ये है, ये गुटखा खाने, तंबाकू, कत्था, चूना, जो भी ये चीज़ों का सेवन करते हैं, वो तत्व जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, ओरल कैंसर जो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे ल्यूकोप्लेकिया कहा जाता है। ल्यूकोप्लेकिया मतलब सफ़ेद दाग। वो सफ़ेद दाग आपके लिए एक वार्निंग साइन है कि आपके चमड़ी में परिवर्तन हो रहा है, आगे चल के कभी भी वो कैंसर पे बदल सकता है। उसे प्री मैलिग्नेंट लीजन कहा जाता है। प्री मैलिग्नेंट मतलब मैलिग्नेंसी मतलब हो गया कैंसर, प्री मतलब उसके पहले के लक्षण। तो ये शरीर के संकेत हैं कि अभी चमड़ी काफ़ी तकलीफ में है, और उसमें जो होने वाला जो प्रॉब्लम है, आप जो भी आप ले रहे हैं, चाहे आप, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान के सेवन से हो। कई बार हमारे यहाँ शार्प टीथ रहते हैं, जो टूथ आधे टूट चुके होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, उनसे क्रोनिक इरिटेशन की वजह से भी ये दाग हो सकते हैं, जो कभी भी कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो दूसरा ये है कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, तो एक सेल्फ असेसमेंट एग्जाम होता है कि आप खुद उस दाग को देखिए कि वो दाग कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। आप रोज उसको एक रूटीन एग्जामिनेशन कीजिए, मिरर के सामने जाइए, मिरर में आप देखिए, एक अंदाजा तो आ ही जाता है कि वो कितना बड़ा है। अगर आपको लगता है कि कुछ समय में धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ रही है, तब आपको मैक्सिलोफेशियल सर्जन या ईएनटी सर्जन के पास विजिट करना होगा, उसकी बायोप्सी लेनी होगी। बायोप्सी लेने के बाद आगे का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी जी, पान मसाला चबाना जो है वो सच में बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार मैडम, प्रीतम साउथ बोरिंग महासमुंद से। नमस्कार प्रीतम जी, स्वागत है, क्या जानना चाहेंगे? हाँ मैडम, मैं अभी कुछ दिन में केप लगाया हूँ, और उसमें कितने दिन बाद चेक कराना है मैडम? जी अगर अभी कुछ मैडम उसमें फंस जाता है अंदर में, तो दिक्कत होता है निकालने में, थोड़ा खाना पीना फंस जाता है इनकी कैपिंग में।
अगर कैपिंग में अभी हाल ही में लगा है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं यदि, और खाना फंस रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं या तो अगल बगल के दांतों में भी सड़न शुरू हो गई जिसके कारण खाना फंस रहा है, या फिर कैप को भी तुरंत जाके इनको चेक कराना है। हो सकता है उसमें कोई मटेरियल ऐड करना पड़े, या कई बार साइज चेंज हो जाता है, मसूड़ा सिकुड़ जाता है तो खाना फंसने की शिकायत शुरू हो जाती है। तो ये चेयर साइड ही, मतलब डॉक्टर के पास ही तुरंत तुरंत उसका निवारण किया जा सकता है, नहीं तो फिर आपको हो सकता है कि कैप को फिर से दोबारा बनवाना पड़े जिससे वो गैप कवर अप हो, पर ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एक बार डेंटिस्ट को जाके दिखाए, ताकि अगल बगल के दांत में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो तुरंत ही ठीक कर दिया जाए। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग ब्रेसेस लगवाते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने के लिए, तो इसे लगाने के बाद मतलब काफ़ी टाइम का ड्यूरेशन होता है ये, तो सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए इसमें, ब्रशिंग की, खाने पीने की, और हाइजीन कैसे मेंटेन रखें इसमें? ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान सबसे पहले ये होता है, जैसे हम हमें शुरू से इंसिस्ट कर रहे हैं कि दो बार ब्रश करना ही करना है, पर जब ब्रेसेस लगे होते हैं तो रूटीन जो डिज़ाइन के टूथब्रश होते हैं उससे ब्रश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिनके ट्रीटमेंट चल रही है उनके लिए अलग डिजाइन के ब्रशेस आते हैं जिनको ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस कहते हैं, जो उस तरीके का डिजाइन उसका बना होता है कि वो ब्रेसेस के अराउंड कम्प्लीटली अच्छे से मेंटेनेंस करवा पाए क्लीनिंग। और ब्रेसेस के लिए, क्योंकि वैसे भी बच्चे या जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं हर महीने डेंटिस्ट के पास जाते ही है, तो ब्रशिंग के बावजूद भी यदि कहीं कुछ प्लाक का लेयर बन रहा है ये दिखता है, तब फिर हम उनके रूटीन में एक माउथ वॉश ऐड करने की सलाह देते हैं कि मान लीजिए कोई एरिया है जहां आप ब्रश नहीं पहुंचा पा रहे हैं ब्रेसेस निकलने के डर से या दर्द होने के डर से, तो माउथ वॉश एटलीस्ट वो एरिया को आपके लिए क्लीन रखेगा। तो ब्रेसेस के दौरान एंड इवन अदरवाइज ऑर्थोडोंटिक ब्रश उनको ब्रेसेस के दौरान यूज करना ही है, और माउथ वॉश को ऐड करना है अपने रूटीन में, वो भी दिन में 2 बार यूज करना रेकमेंडेड रहता है। जी 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 तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो माउथ के कैंसर्स होते हैं इसके मोस्टली कारण क्या क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, जो ओरल कैंसर है ये इसके केसेस हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। उसका जो प्रमुख कारण है वो है तंबाकू एवं उसके उत्पाद, चाहे वो तंबाकू हो, बीड़ी पत्ती हो, सिगरेट और पान मसाला, गुटखा, इनमें हानिकारक केमिकल होते हैं, तंबाकू होता है। इसके अलावा, कैंसर के अलावा भी मुंह कम खुलना भी एक बड़ी समस्या आजकल दिखाई देती है, जिसे हम हमारी भाषा में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें गुटखा या करने सेवन करने वाले पेशेंट्स का धीरे धीरे मुंह खुलना कम हो जाता है। जी। तो अगर आप माने तो इंडिया में जो प्रमुख कारण है वो तंबाकू एवं उसके उत्पाद है। बिल्कुल, पान मसाला वगैरह जो चबाते हैं। दूसरे जो कारण होते हैं, कई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहती हैं जिनमें भी ओरल कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि शार्प टूथ या शार्प प्रोस्थेसिस, अगर कोई भी दांत ऐसा है वो जीभ या गाल को काट रहा हो, बार बार उसे तकलीफ दे रहा हो, क्रोनिक इरिटेशन दे रहा हो, उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। क्रोनिक इरिटेशन भी ओरल कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा जो मेजर प्रमुख कारण है वो यही कारण है। तो सिर्फ कारण नहीं है कि आप तंबाकू का ही सेवन करते हैं तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कारण है, जैसे मैंने देखा है कि छोटे रूट स्टम्स बचे हुए हैं, या शार्प टीथ बचे हैं, या कोई ऐसा पूरा पहले का कोई नकली दांत या कैप या कोई भी ऐसी प्रोस्थेसिस लगी है जो आपके मसूड़ों को एवं चमड़ी को हर्ट कर रही है, तो आप तुरंत से तुरंत उसका समाधान करवाइए। जी जी, अभी हमारे साथ एक कॉलर बने हुए हैं, मेरे ख्याल से ये डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, अंत में मैं चाहूँगी कि छोटा सा संदेश देते जाएं हमारे दर्शकों के लिए। मेरे ख्याल से अभी टाइम की कमी हो चुकी है यहाँ पर, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी को कि आप दोनों यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो हम अगले एपिसोड में फिर से आएंगे और हमारे साथ होंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।